सब्सक्राइब कीजिए विनय कुमार गुरु चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विनय कुमार। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप जो है बैक टू बैक जो है जॉब को आप एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जॉब जो आई जा रही मैं आप नोटिफिकेशन बिठा ले जा रहा हूँ। मैं अभी LIC की निकली, 5 जॉब जो और थी वो भी मैंने आपको बताई। अब NYKS जो है फिर अगेन प्रिपरेशन कर रहा है जॉब निकालने के लिए। तो गाइस ये जो वीडियो रिगार्डिंग है, ये वीडियो मैंने बनाई है जो आपके डाउट्स थे, यानी कि अभी जो NYKS ने अभी नोटिफिकेशन निकाला है कि इसके अंदर बच्चों ने पूछा था कि सर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एक से ज़्यादा फॉर्म जो अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऐसे वगैरह वगैरह जो क्वेश्चन जो है आपने पूछे हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, और प्लस में मैं आपको एक डिसएडवांटेज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि मुझे जो NYKS के ऊपर कुछ थोड़ा सा डाउट लगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो वीडियो के लास्ट में आपसे शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ यार अगर मेरे आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आने वाली है करंट अफेयर्स की वीडियोस जो कि रिलेटेड होंगी MTS, DYC, स्टेनोग्राफ और लाइब्रेरियन, यानी कि जो NYKS की जो जॉब निकली है इसके रिगार्डिंग मैं आपको सारा PDF मटेरियल जो है प्रोवाइड कराऊंगा। प्लस मैं आपको एक टेस्ट सीरीज जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इसलिए गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई जो है चार्ज नहीं होगा। ओके गाइज, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करते और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं जो कमेंट्स हैं वो मैं रीड करके मैं आपको फटाफट से उनका रिप्लाई देने वाला हूँ। गाइस वैसे मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, ठीक है गाइस। मेरी वॉइस जो है थोड़ी कम हो सकती है शायद, लेकिन आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जैसे कि कमेंट्स में पढ़ता हूँ, कमेंट जो पहला कमेंट था वो था धम्मा पाल का, उन्होंने कहा था कि सर प्लीज़ क्लास जो है शुरू करवाइए। तो ऑफकोर्स यार मैं क्लास शुरू करवाने वाला हूँ। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी करंट अफेयर्स और यानी कि जो और भी चीज़ें जैसे मंत्रिमंडल जो अभी नया बनाया है, ये सब चीज़ें कि मैं आपको फटाफट से मैं आपको बताने वाला हूँ, और ऐसे वे में बताऊँगा जो कि आपको फटाफट से याद हो जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी मैं आपको बताऊँगा इसमें, ठीक है। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट कमेंट था वो था कि सर ACT का जो क्वेश्चन आया था उसका मेमोरी बेसिस लाइए। तो ऑफकोर्स यार जो मेमोरी अभी इसके लास्ट टाइम जो इसका एग्जाम हुआ था उसका मेमोरी बेस जो है ऑफकोर्स यार होगा, और मैं उसको लेके आऊँगा आपके सामने, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन था उन्होंने बबीता शर्मा जी ने पूछा था, उन्होंने बोला था कि सर प्लीज़ इंग्लिश जो है स्टार्ट करवा दो, इंग्लिश करवा दो सर। तो इंग्लिश भी मैं कराऊंगा, इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इंग्लिश क्या मैं आपके मैथ्स रीजनिंग और बैंकिंग जो रीजनिंग है वो, और इसकी मैथ्स की और GK के भी आपके जो करंट अफेयर्स हैं और इंग्लिश के वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके गाइस, तो इसकी जो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, वो मेरी टेंशन है, आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ यार थोड़ा सा अपने भाई को सपोर्ट करो, थोड़ा सा यार अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा लाइक कर देंगे, और जो इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा तो यार क्या पता थोड़ी सी मेरी वीडियो थोड़ी ऊपर चली जाए और कुछ लोगों की आंखें खुल जाएँ, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो बोला था उन्होंने कि क्या सर, अंकिता भट्टाचार्जी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बोला था कि क्या सर एक से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स आप एक से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो आप एक से ज़्यादा अप्लाई कर सकते थे अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो, और ठीक है। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो DYC ACT यानी कि डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो ये पोस्ट थी इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर से जो मैंने सिलेबस है वो भी मैंने कवर किया है कि यूथ जनरल अवेयरनेस को कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, वो सब मैंने जो है मेंशन किया हुआ है। तो आप मेरी प्रीवियस जो वीडियोस है उनको आप जाके जरूर देखिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ मैंने इंटरव्यू की टिप्स जो है वो भी मैंने आपसे शेयर की हुई है। ओके गाइस, तो उसे जाकर आप फटाफट से देखिए, देर मत कीजिए बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई DYC का जनरल नॉलेज का स्टडी मटेरियल मिल सकता है क्या आपके पास? ऑफकोर्स यार क्यों नहीं मिलेगा, हम DYC प्रीवियस ईयर पेपर ना पढ़ते हुए हम पूरा एक पैटर्न पे फोकस करेंगे, क्योंकि पैटर्न में से ही एग्जाम जो है वो आता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही सेम पूछा था कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन था वो शायद अगर उनके मन मेरे मन में भी आया है तो हो सकता है कि बच्चों के मन में भी आया हो। मेरे से जो है ये था सिमरन बेदी, इन्होंने मुझसे कहा था कि सर ये जो वैकेंसीज है बार बार लाया जा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने डिक्लेयर रिजल्ट बिल्कुल नहीं किया है पिछली बार का। तो हाँ यार मुझे भी थोड़ा सा लगा है कि यार इस बार पता नहीं NYKS क्या मतलब चाहता है, पोस्ट जो है कम निकाल रहा है, फीस इसकी 700 रुपये है, बच्चे भी इसको अप्लाई कर रहे हैं, एग्जाम भी मतलब अच्छे खूब बच्चे दे रहे हैं इसका,
तो और ये फीस जो है रिफंडेबल भी नहीं है, तो पता नहीं क्या इसका इसमें प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है इसका NYKS का, तो पता नहीं वो क्या मतलब चाह रहा है। हम जो है बच्चे वो 700 रुपीज़ फी करते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं डिपार्टमेंट से कि वो प्रॉपर जो कट ऑफ है वो प्रोवाइड कराए, रिजल्ट जो है टाइम पे प्रोवाइड कराए, भटके ना। क्योंकि यार 700 रुपीज़ उस बच्चे से पूछो कि जिनके घर में कम पैसे आते हैं, और जो बच्चे मतलब कि फॉर्म को अप्लाई करते हुए मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं वो 700 रुपये कलेक्ट करने के लिए, और जो उनको 700 रुपये सिर्फ फॉर्म में वो अप्लाई कर देते हैं, तो यार उनसे पूछो उनकी दिल पे क्या बीतती है। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को शेयर आप जरूर कीजिएगा कि ताकि ये NYKS के कोई ऐसे बंदे के अधिकारी के पास चले भी जाए और वो इसको क्या अच्छे से समझे कि यार सच में ऐसा हो रहा है। अगर ये बच्चों को फील हो रहा है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यानी कि जो मेरी फैमिली है उनको फील हो रहा है और मुझे फील हो रहा है, तो यार ऑब्वियसली बात है पता नहीं कितने बच्चों को फील हो रहा होगा, कितने लोगों के सब्सक्राइबर उनको भी फील हो रहा होगा। तो प्लीज़ यार इस चीज़ों को समझिए और आप मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए इस टॉपिक के। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि यार NYKS सच में बेकार है, लेकिन यार वो एक फीलिंग जो है मेरे अंदर आ रही है कि यार वो ऐसा मतलब क्यों कर रहा है। जो फाइनल जो पिछली बार के रिजल्ट थे वो भी अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, फर्स्ट टाइम जब उसने जॉब पोस्ट निकाली थी तो उसके अंदर तो फटाफट फटाफट किया था उसने काम, लेकिन इस बार पता नहीं वो क्यों जो है डिले कर रहा है, तो इसका रीजन जो है मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो गाइज क्यों मैं आपसे इसे ये बात शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यार आप मेरे फैमिली मेंबर हो, जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, हमारा जो बॉन्ड है वो मैं उसको अच्छे से करना चाहता हूँ, संभालना चाहता हूँ उस चीज़ को। तो इसलिए गाइज मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ इसके प्लीज़ डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। मैं आपके लिए जो है करंट अफेयर्स की और भी अच्छी अच्छी स्टडी मटेरियल जो है, और करंट अफेयर्स तो इसके अंदर खास तौर से आने वाली है, तो वो मैं आपके लिए प्रॉपर जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। हो सकता है मैं डेली करंट अफेयर्स भी लाऊं आपके लिए, और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैं करंट अफेयर्स है वो कैसे कैसे लाऊं, और यानी कि डेली बेस पे लाऊं या फिर वीक में एक बार लाऊं। तो आप जो है मुझे सजेस्ट करते रहे फटाफट से, क्योंकि जो अब काम है वो बढ़ने वाला है मेरा भी। मैं चाहता हूँ कि मैं तो वीडियो जो है डेली शूट करूँ, हर 1-2 दिन में वीडियो मैं शूट करता रहूँ, आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे और मैं इसमें सारी चीज़ जो है इंक्लूड करूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में फटाफट से बताइए कि कैसे कैसे मैं स्टार्ट करूँ। मैथ्स का आपका डाउट है मैथ्स का बताइए, रीजनिंग का आपका डाउट है रीजनिंग का बताइए, आपका इंग्लिश का डाउट है इंग्लिश का बताइए। मैं टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब जो है मैं लाने वाला हूँ। वैसे जो मैंने प्लान किया था वो मैंने प्लान जो किया था मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो प्लान किया था वो मैंने प्लान किया था कि जो मैथ्स के सेट पेपर है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, रीजनिंग के बैंकिंग के सेट पेपर है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, GK के इंग्लिश के सेट पेपर वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी नए मुख्यमंत्री ओ सॉरी नए MP जो बने हैं, अभी नया मंत्रिमंडल बना है, उससे रिलेटेड जितने भी हैं टॉपिक्स वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा यार, क्योंकि अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे ना, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है अर्निंग के पर्पज से बिल्कुल नहीं आया हूँ गाइस, यहाँ पर मैं जो है आपकी हेल्प करने के पर्पज से आया हूँ। सिंपल इज दिस, हर वीडियो में आप मेरा यही जो है डायलॉग सुनेंगे, ये मेरा शायद तकिया कलाम भी बन चुका है। तो प्लीज यार सच में मैं जो है अर्निंग के पर्पज से बिल्कुल नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक हेल्पिंग के पर्पज से आया हूँ। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को सपोर्ट करने का, इस वीडियो का आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स जो है मैंने क्लियर कर दिए होंगे। बच्चों के कुछ यही डाउट थे कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, बस कुछ यही डाउट है, तो मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो को मैंने शूट किया है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और तो चलते हैं आज की वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।